आपको 90 मिनट मॉक को देना है, ठीक है। आपका मॉक प्लस इयर्स है, वहां से हमें बल्क में प्रैक्टिस करना है। गाइड किया है इनको 20 डेज प्लस 30, तब तक एग्जाम में लेस टाइम में कैसे बनेगी अर्थमैटिक। तो अभी भी टाइम है, अगर आप आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो राइट स्ट्रेटजी विद टाइम टेबल, कंटेंट, कितने मॉक्स देने, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दैट इज 30 डेज का प्लान फॉर प्रीलिम्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक स्टेप की कैसे आपको अपने डेली टारगेट्स पूरे करने हैं, कैसे मॉक्स देने हैं, कब आपको क्लासेस करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ यही प्रॉब्लम है, वो अपना टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम कैसे अपना जो कॉन्टेंट है उसको यूटिलाइज करें। बिकॉज बहुत वर्किंग कैंडिडेट्स भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता है कि अब टाइम लिमिटेड है तो हम कैसे इस एग्जाम को क्लियर करें, राइट। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। हाइलाइट्स क्या क्या है आज के सेशन की वो मैं बता देती हूँ। हम आज डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए 30 डेज प्रीलिम्स का प्लान। अगर आप मेंस की स्ट्रेटेजी चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके बताना, मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। 30 डेज प्लान रहेगा ये डेडिकेटेड पूरा प्रीलिम्स के लिए, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे कहाँ से पढ़ने हैं, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो मुझसे कहते हैं कि मैम पीडीएफ बंडल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे मॉक्स या फिर क्लासेस, ठीक। अब देखो क्या रीजनिंग और क्वांट में आपको सेल्फ प्रैक्टिस कब करनी है, कैसे करनी है, क्विजेस हो गए या आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मॉक्स कैसे देने हैं, क्लासेस, इन सब चीजों को कैसे अरेंज करना है, बिकॉज ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल आपका, डेली टारगेट और कॉन्टेंट, अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, और ये पूरा 99% आपका इफेक्टिव रहने वाला है। सो गाइज, अगर हम 30 डेज प्लानर की बात करें तो आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए जो सबसे पहले मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 45 मिनट का एक फुल लेंथ मॉक देना है, बिकॉज अब जून आ चुका है, आप ये चीज डेली बेसिस पे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट 5 मॉक्स आपको देने ही हैं वीक में प्रीलिम्स के, देना किसका है, आरआरबी पीओ को अभी प्रायोरिटी पे आपको देना है, ठीक है, क्योंकि उसी से ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। आपको क्या करना है, 45 मिनट पहले फुल लेंथ मॉक देना है, उसके बाद 45 मिनट आपको एनालिसिस में देना है, दैट इज 90 मिनट्स का आपका ये वर्क हो गया टोटल, आपने इसमें 90 मिनट्स अपने दिए। अब एनालिसिस ऐसे ही नहीं कि बस देख लिया क्या गलत हुआ क्या नहीं और ये नहीं हुआ, वो नहीं करना। आपको क्या करना है, एनालिसिस में आपको नोट डाउन करना है अपनी मिस्टेक जो आपने करी, दैट इज व्हाट, जो रॉन्ग हुए, क्यों रॉन्ग हुए। दूसरी चीज टाइमिंग, जो आपने क्वेश्चंस किए हैं सही हुए उनमें टाइमिंग आपने ज्यादा लगाई तभी आप बाकी का पोर्शन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो या फिर कम चीज अटेम्प्ट कर पा रहे हो, राइट। तो टाइमिंग को आपको सही करना है, वो कैसे होगा, जब हम डेली टारगेट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वीक एरियाज देखने हैं कौन कौन से, क्योंकि जब आपको पता होगा हाँ मेरा ये सेगमेंट वीक जा रहा है तभी तो आप उसकी बल्क में प्रैक्टिस करोगे, राइट। तो ये आपका हो गया फर्स्ट। सबसे बड़ी बात ये आती है कि मैम अगर हम डेली मॉक्स देंगे इतने सारे मॉक्स हमें मिलेंगे कहाँ और फिर एग्जाम ओरिएंटेड, राइट। तो गाइडली आपको पता है 150 रुपीज में आपकी टेस्ट सीरीज लेकर आया है जिसमें आपको सारे मॉक्स मिलेंगे 2022, 23, 24, मतलब 3 साल के मॉक्स मिलेंगे। तो आपके पास इतने मॉक रहेंगे कि आप एग्जाम तक आराम से दे सकते हो, प्री मेन सेक्शनल मिलेंगे और इन सारे एग्जाम्स के मिलेंगे। तो ये वन टाइम ऑफर है, आप चाहें तो गाइडली की वेबसाइट से जाकर जल्दी से परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। तो पहली चीज आपकी डन होती है और बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक। अब चलते हैं हम अपने डेली टारगेट्स पे कि हमें कैसे कैसे कंप्लीट करना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो हमें कवर करने हैं, राइट। तो उनकी एक झलक हम जल्दी से देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें देखना होगा कि रीजनिंग में हमारे किस पोर्शन से हमारा पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। तो ये टॉपिक्स आपको अपने रेडी करने हैं पजल एंड सीटिंग में, अलावा रेस्ट 20 मार्क्स जो आपके रहे 40 में से, उनमें से ये मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं वो रहेंगे, जिस करना है कैसे पढ़ना है सब हम डिस्कस अभी करेंगे। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, 40 मार्क्स जिसमें आपका अगेन आपका 10 टू 15 मार्क्स आपका डीआई के लिए होता है, एटलीस्ट 15 मार्क्स तक हम मान सकते हैं इंक्लूडिंग केसलिट मिला के। समटाइम्स कुछ ऐसे भी गई हैं शिफ्ट जिसमें आपको 20 मार्क्स की डीआई मिल गई, वहां पर पेपर थोड़ा सा लिटिल बिट टफ हो जाता है क्योंकि स्पीड मैथ्स का पोर्शन कम हो जाता है, ओके। तो अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डीआई है जो इस साल आपकी ट्रेंडिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें प्रिपेयर करना है तो वेरिएबल बेस्ड डीआई इंपॉर्टेंट बन रही है और ये सारे टाइप्स हैं जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चंस इसके देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बिकॉज प्री मेंस दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है, ओके। आप रुद्रा 5.2 बैच को भी इसके लिए फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब मेरी प्लेलिस्ट है, मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। प्रायोरिटी पे आपको ये करने ही करने बिकॉज इनसे रिलेटेड एग्जाम में मेन्स में डीआई भी आ जाती है और प्रीलिम्स में आना ही आना है, ठीक है। और आप देख रहे हो अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है तो मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कट ऑफ आई जाती है, पेपर थोड़ा सा ऐसा आ जाए इजी टू मॉडरेट, तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रीलिम्स लेवल तक आपको मोस्टली सारे टॉपिक्स पर कमांड अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको आपको करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आफ्टर दैट आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, बट इनको प्रायोरिटी पे आपको करना है। 10 मार्क्स तक हम आरआरबी पीओ में और 15 से 20 नंबर आरआरबी क्लर्क में आपका स्पीड मैथ्स का पोर्शन रहता है जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। तो अगर इन पे आपकी कमांड नहीं है तो इनकी आप डेली कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी कमांड अच्छी हो जाए।
अब हमें इस 30 डेज के प्लानर में अपने डेली टारगेट्स को भी पूरा करना है, और डेली टारगेट्स में हम क्या चीजें करेंगे कि हमें मॉक में मार्क्स को इंक्रीज करना है, उसके लिए हमें पर्टिकुलर जो भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यही हमें एग्जाम्स में मिलने हैं, तो इन पर हमें कमांड भी करनी होगी, राइट। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जब आप बल्क में प्रैक्टिस करोगे देन यू विल सी द रिजल्ट। अभी बात आती है मैम कैसे हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारा कंटेंट आपको एक जगह मिलेगा गाइडली के पीडीएफ बंडल में। तो जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ बंडल यूज नहीं करना आ रहा है उनको मैं बताती हूँ कि आप स्मार्ट वे में कैसे इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहली चीज, आपका जैसे मान लो आरआरबी पीओ का एग्जाम है, क्लर्क का एग्जाम है, ठीक है, 50 डेज का आपको स्केड्यूल दिख रहा है। अगर मैं इस चीज को खोलूं, ठीक है, हमने यहाँ पर ओपन किया आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पीडीएफ कोर्स, राइट। तो डे 1 से लेकर डे 50 तक मुझे दिख रहा है। अब मैंने अपना जो मॉक दिया, मैंने स्पीकर सेक्शंस लिखे, राइट। तो जो चीजें मेरी मॉक में प्रैक्टिस हुई जा रही हैं और मेरे से हो रही हैं उन पर हम टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे। हाँ, जहां मुझे टाइमिंग ज्यादा लग रही है डेफिनेटली आई विल प्रैक्टिस आधा घंटा निकाल के। तो अब आपका जो भी 90 मिनट का काम था वो कंप्लीट हुआ। अब आपको इंडिविजुअली 2-2 आवर्स देने हैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस को, डेली टारगेट को, रीजनिंग को और क्वांट को, बिकॉज यहीं से आपका मेंस भी रेडी होता जाएगा। आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर डे 1 में आपका देखो रीजनिंग में क्या दिया हुआ है, मंथ बेस्ड पजल, पैरेलल अरेंजमेंट, एज बेस्ड पजल, लीनियर अरेंजमेंट, मतलब 20 क्वेश्चंस पजल और सीटिंग के दिए हुए हैं। उसके अलावा स्कोर बूस्टर में आपका जो मिसलेनियस पार्ट मैंने इंपॉर्टेंट बताया 20 क्वेश्चन उसके दिए हैं, राइट। और सेम अगर हम देखें तो ये आपका टेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है, इंग्लिश हिंदी दोनों पीडीएफ्स भी हैं और वीडियो सॉल्यूशंस भी यहाँ पर है। दैट इज व्हाट, आप इसको क्विज फॉर्मेट में ही अटेम्प्ट करेंगे बेटर रहेगा आपके लिए कि नहीं। और साथ में अगर हम क्वांट सेक्शन की बात करें, यू हैव 45 क्वेश्चंस हियर, चार्ट रहेगा, पाई चार्ट हो गया, टेबल बार ग्राफ हो गया, केस लिस्ट एप्लीकेशन सम्स हो गया 10 क्वेश्चंस, और स्कोर बूस्टर में आपके 25 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे जिसमें आप इन टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके इनमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक। अभी बात आती है क्या कि अगर आप इसको डेली बेसिस पे डे 1 डे 2 करके प्रैक्टिस करना चाहो देन यू कैन गो विथ दिस, आप कर सकते हो। बट अगर मैं मार्क्स भी दे रही हूँ, ये भी कर रही हूँ डेली बेसिस पे, तो मे भी फिर मुझे अपने कमांड नहीं हो पाएगी अपने पर्टिकुलर टॉपिक पर जो मेरा वीक है। तो अगर मान लो मुझे पजल्स में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पजल्स में अगर मान लो मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूं, डे 1 से लेकर डे 5 तक या डे 10 तक जितनी भी आपकी कैपेसिटी बनती है आप क्या करें, आज के 2 घंटे निकाल के जो भी रहेगा आप उन पजल्स को लगाइए 10-20 जो भी है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पार्ट आपने दिया किसको, डीआई को, डे 1 से लेकर जितनी भी डीआई दे हुई है नेक्स्ट आपके डे 10 तक आपने उनको निकाल के लगाया, फिर नेक्स्ट डे आपने अर्थमेटिक को लगाया। इस तरीके से क्या होगा, अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आपका मॉक में मार्क्स में इंप्रूवमेंट मिलेगा बिकॉज आप अच्छे क्वेश्चंस को बल्क में प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स चाहते हैं विदिन 30 डेज हमें इन चीजों को इम्प्रूव करना है तो आप ऐसे जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि आप मॉक ओरिएंटेड स्टडी करोगे देन यू नो द डिफरेंस कि हमें कहाँ वर्क करना है, ठीक। अभी आप डेली बेसिस पे इसको दे रहे हो, ठीक है, आपको एक मिल गया क्या कि भाई ये मुझे 80 क्वेश्चन मैंने वो दिए, अलग से ये मुझे यहाँ पर देने पड़ रहे हैं। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, मान लो आपने किसी दिन मॉक नहीं दिया या फिर आपको लगता है कि हाँ अब मेरी बल्क में प्रैक्टिस हो चुकी है, आप इसी तरह, ये तो पूरा 50 दिन का है ना आपका, 50 डेज का है, आप क्या करो इसके जो 20 दिन हैं शुरू के उनको वैसे प्रैक्टिस करो बल्क में, ठीक है। बल्क में मुझे लेकर जाना है, कैसे, एक दिन मैंने पर प्रैक्टिस किया डीआई, एक दिन किया अर्थमेटिक, एक दिन मैंने मिसलेनियस प्रैक्टिस किया, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही हम पजल्स और सीटिंग में गए, एक दिन हमने पजल्स को प्रैक्टिस किया, दूसरे दिन सीटिंग अरेंजमेंट किया, तीसरे दिन मिसलेनियस को प्रैक्टिस किया, इस तरीके से किया। तो बल्क में जब हम कोई चीज को पर्टिकुलर करते हैं तो वो हमें ज्यादा माइंड में बैठती है, ठीक, ये हो गया। जैसे ही 20 दिन यहाँ बीते हैं आप क्या करो, आपको पता है जो आपका 20 दिन के बाद से 50 दिन का स्केड्यूल है ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, हमने इसको 2 पार्ट में बांटा था, 1-20 टॉपिक ओरिएंटेड, 20-50 एग्जाम ओरिएंटेड, अब आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिकॉज अब आपके पास कमांड है, ओके, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके पास 2 चीजें हो जाएगी, एक मॉक और ये, तो दोनों चीजों से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सब कुछ कवर होगा, जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं सारी पजल्स आपको मिलेंगी। और कभी कभी ऐसा भी है कि एक दिन पूरा पजल्स आपकी दी गई, जैसे यहाँ देखो 3 पजल है, एक दिया गया लीनियर अरेंजमेंट बाय डायरेक्शनल, सब कुछ है, ब्लड रिलेशन है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, और यहाँ पर देखो पजल्स है, मंथ विद डेट हो गया आपका, सारी चीजें यहाँ पर दी गई, अननोन लीनियर अरेंजमेंट हो गया, पैरेलल हो गया, 2 वेरिएबल बेस्ड भी पजल्स हैं, सब कुछ रहेगा। सेम आपका क्वांट में भी रहने वाला है, डीआई भी रहती है, एटलीस्ट 2 डीआई, 2-3 डीआई आपको डेली बेसिस पे मिलेंगी। तो आप देख सकते हो आप इसको इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो 30 डेज में आपको ये चीज कंप्लीट करनी है, पढ़ना पड़ेगा, देखो ठीक है, पढ़ना तो हमें पड़ेगा ही पड़ेगा। जो लोग मेंस के साथ में तैयारी कर रहे हैं संडे को एटलीस्ट टाइम निकालो, चाहे मेंस कर रहे हो या प्री पे फोकस, देखो प्री हमें करना है तो 15 दिन लग के या 30 दिन लग के हमें इस पे भी फोकस अप करना पड़ेगा,
ओके। और संडे को आप एक काम कर सकते हो कि संडे वाले दिन आप टाइम निकालिए और कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है वो पढ़िए। कंप्यूटर पीडीएफ बंडल है गाइडली का, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ में अगर मैं आपको जीए के लिए बेस्ट सोर्स बताऊं तो वो आपका क्या रहेगा, वो रहेगा आपका स्मार्ट क्विज, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ने को, क्योंकि अगर आप स्मार्ट क्विज से पढ़ोगे आपका काफी हद तक एरिया कवर हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है क्या कि आपने 2 आवर्स दिए, मतलब मान लो आपके हो गए 4 घंटे और 5, 5.5 घंटे आपके पूरे हो गए। अब इसके बाद जो टाइम बचता है वो अपनी क्लासेस को दीजिए, चाहे आप प्रीलिम्स करो या मेंस करो। अब बात ये आती है कि हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन का तरीका तो आना चाहिए, दैट इज अप्रोच। अप्रोच भी तो बहुत मैम मैटर करती है, क्योंकि हमने पढ़ तो सब लिया, प्रैक्टिस कर लिया, बट अप्रोच ही नहीं है, अर्थमैटिक नहीं अटैम्प्ट हो रही। सबसे बड़ी दुविधा यही है कि मैम मॉक में ऑटोमेटिक नहीं अटैम्प्ट हो रही, तो उसके लिए आप मेरी क्लासेस देख सकते हो, प्लेलिस्ट में फ्री दे रही हूँ यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बैंकिंग स्मार्टली, आई विल शेयर यू द एग्जैक्ट लेवल DI अर्थमैटिक और कुछ मैराथन लूंगी। आप यहाँ से देख सकते हो कि हमें अप्रोच कैसी रखनी है, ठीक है। तो बैंकिंग स्मार्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट प्री की, जो अभी हमने अभी करंट में चला रखी है और जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। मेंस की भी है जो बच्चे मेंस देखना चाहते हैं, और आपकी टॉपिक वाइज अर्थमैटिक भी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए फ्री मटेरियल है, इसमें आपको बल्क में नंबर सीरीज भी मिलेगा, क्वाड्रेटिक भी मिलेगा, दैट इज व्हाट कि एग्जाम में क्या क्या आ रहा है और हमें कैसे एग्जाम में अप्रोच करने को। अप्रोच के लिए यू कैन फॉलो मी फॉर पॉइंट सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या रहा आपका, पहला पॉइंट हो गया कि आपको 90 मिनट मॉक को देना है, ठीक है, आपका मॉक प्लस एनालिसिस, राइट। फर्स्ट पॉइंट हमारा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है, डेली टारगेट, हमें जो हमारे वीकर एरियाज हैं वहां से हमें बल्क में प्रैक्टिस करना है। हमने कैसे डिवाइड किया है इनको, 20 days + 30 days में, क्योंकि हमारे पास 50 दिन का प्लानर है और हमें इसे स्मार्टली यूज करना है। बिकॉज ये 20 days अगर हमने वर्क कर दिया देन हमें मॉक में रिजल्ट मिलने लगेगा, उसके बाद वी कैन यूज लास्ट 30 days फॉर प्रैक्टिस, हम उसको कर सकते हैं ना कोई फॉर्मेट, तो वो भी हमारा एक मॉक की तरह एडवांटेज हो जाएगा, ओके। ये चीज हो गई। थर्ड पॉइंट क्या है अपने पास, ये हो गया आपका पीडीएफ बंडल से, ये मॉक्स हो गए, ठीक है। तो जैसे अगर आपके पास गाइडली का मटेरियल है तो आपको कैसे यूज करना है ये भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें टाइम डिवाइड करना है। दूसरी चीज ये, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बट मेरे पास जो मटेरियल मैं आपको पॉकेट फ्रेंडली प्रोवाइड कर सकती हूँ वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। और सेल्फ प्रैक्टिस की, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी चीज जो आपको करनी है, जो आएगी यहाँ से इंप्रूवमेंट आपके पास, ठीक है। चौथा क्या है, अप्रोच, बिकॉज अप्रोच ही मैटर करता है। जब तक अप्रोच नहीं आएगा तब तक एग्जाम में लेस टाइम में कैसे बनेगी अर्थमैटिक, तो ये पॉइंट भी हमें देखना है। तो इसके लिए आई एम प्रोवाइडिंग यू सम फ्री क्लासेस, तो यूट्यूब पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो प्रीलिम्स के लिए 30 days आपको ऐसे जाना है, बाकी संडे को प्लीज इस चीज पे फोकस करिए कि आप जीए और कंप्यूटर को टाइम देना स्टार्ट करें वीकली, ठीक है, वीकली क्विजेस जो होती हैं उन पर। और अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट इज व्हाट कि आप प्रीलिम्स के लिए आपके लिए मॉक्स काफी हैं, ठीक है। तो मेंस के लिए इंडिविजुअल लेवल में एक वन स्ट्रेटजी, जो लोग प्री जिनका लगभग रेडी है और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, आई विल मेक वन वीडियो, ओके। तो बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप गाइडली से कोई मटेरियल परचेज करना चाहते हो तो गाइडली का मॉक टेस्ट ऑफर चल रहा है, ₹150 में आपके मॉक्स हैं, आपका पीडीएफ बंडल है गाइडली का, दिस इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली, रुद्रा 5.2 बैच है, सबके लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी। और फ्री क्लासेस जो है आप उनको भी अवेल कर सकते हैं, इसके लिंक भी हम कॉमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे। तो चलिए, बाय, टेक केयर गाइस।